एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, इसमें फ़र्क होता है और उससे इमोशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फंक्शन हो और फंक्शन में अगर कोई ज़्यादा आवाज़ या शोर कर रहा हो तो हम उसको उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि वो फंक्शन है। मगर वही चीज़ अगर अच्छा सेमिनार चल रहा हो, वो भी तो एक फंक्शन है, और वहाँ पे अगर कोई अपना फ़ोन रिंग बज गया किसी का, कोई अच्छा सेमिनार चल रहा है, आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हो, बड़ा इंटरेस्ट से बता रहा है, और वहाँ पे किसी स्टूडेंट का या किसी आदमी का, सेमिनार तो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, इन जनरल सेमिनार है, तो वहाँ पे कोई भी बैठा हुआ है और उसका रिंग बज गया, तो आप उस वक्त क्या करोगे बोलो? आपने वहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया है पहले कि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए आप ज़रा सी भी नॉइज़ वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करोगे। हालांकि वही नॉइज़ आप उसी हॉल में बर्दाश्त कर चुके हो, क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया था। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी कई बातें ऐसी होती है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उससे हम इरिटेट नहीं होते, मगर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशंस आए होते हैं, वहाँ पे हमको इरिटेशन होता है। अगर हमने वो एक्सपेक्टेशंस जो हमने किए थे उसको एक्सेप्टेंस में बदल दिया तो हमारा इरिटेशन नहीं होगा, हमारा अमेगडला ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा कैटेकोलामाइन सीक्रेट नहीं होगा, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक सोचो ज़रा कि एक महफिल सजी है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे सेमिनार चल रहा है और वहाँ पे किसी का रिंग बज गया या कोई तो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ नॉइज़ होना शुरू कर दिया, बाहर से कोई नॉइज़ शुरू हो गई, आप वहाँ पे क्या क्या सोचोगे? आपके आंसर चाहिए मेरे को, क्या सोचोगे वहाँ पे बताओ? इरिटेट हो जाओगे, बताओ? गुस्सा आएगा, बताओ? और बोलो, डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा फील करेंगे। अच्छा बोलो, और कौन बोलना चाहता है? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और बोलो क्या करेंगे? कान के नीचे बजा देंगे, आवाज़ बंद करने बोलेंगे। अच्छा, दरवाज़ा बंद करेंगे और हम चुप रहेंगे। ठीक है, ये भी एक बिहेवियर हो सकता है। ओके नाइस, और अवार्ड बोलो, दरवाज़ा बंद करेंगे आने अपने काम और फोकस कराए। ओके ठीक है, अब देखो आपने बहुत सारे आंसर दे दिए। क्यों ऐसे आंसर्स आते हैं? क्योंकि आपने यही सुना है लोगों से, आपने जो सुना है वैसे ही आंसर दोगे। अब यहाँ पे ये आंसर भी आपका ठीक है कि इरिटेट हो जाएगा, मगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इरिटेट होना नॉर्मल है। ऐसा कोई करेगा तो हम बोलते भी है ना कि ऐसा कोई करेगा तो बोलो ना, क्या करेंगे? इरिटेट नहीं होगा आदमी? क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम? क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर इरिटेट होना नेचुरल है, ये आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इरिटेट हो जाते हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आवाज़ न करें, मगर वो आपके अगेंस्ट चला गया, इसलिए आप इरिटेट हो गए, एक चीज़। और आपने सुना है बार बार लोगों से कि ऐसा हो गया तो इरिटेट ही होना चाहिए। अब आपका एटीट्यूड दूसरी तरफ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर वो समझो किसी का फ़ोन रिंग बज गया वहाँ पे, तो आपकी सोच ये भी हो सकती है ना कि वो भूल गया होगा साइलेंट करने के लिए, या तो फिर ये भी सोच बन सकती है उसको नहीं आता होगा हाउ टू साइलेंट, ये भी सोच बन सकती है कि नहीं है, या तो फिर कोई ये भी सोच सकता है कि उसने ज़बरदस्ती या जानबूझ के किया होगा, ये भी हो सकता है। फिर और ये भी कोई सोच सकता है कि अगर उसने उसके पास से ये हो गया
तो अगर मैं उसके ऊपर इरिटेट हो जाऊं या गुस्सा हो जाऊं तो वो सिचुएशन फिर से वापस आएगा, वो सिचुएशन यानी क्या, उसकी फिर रिंग बजेगी। अगर मैं उसके ऊपर इरिटेट हो गया तो हमने ये सोच रखा है कि मैं इरिटेट होने के बाद उसकी रिंग नहीं बजेगी, मगर जो बजाना ही चाहता है, तुम कितना भी इरिटेट हो जाओ ना, जो बजाना ही चाहता है वो तो बजेगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो फ़ोन बजा और उससे जो तुम इरिटेट हो गए, तो उसका फ़ोन ने आपका रिमोट कंट्रोल का बटन ऑन कर दिया और आप इरिटेट हो गए। यानी आपने आपका जो थिंकिंग है या आपका जो बिहेवियर है उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, और जैसे ही वो बजाता है यानी दबाता है, आप इरिटेट होते हो, हैप्पी हो जाते हो, अब वो उसके हाथ में है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। मगर जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल, हम बाकी के दुनिया को तो देखते हैं मगर हम अपने आप को कभी नहीं देखते, और इसलिए ये सारे प्रॉब्लम इरिटेशंस वगैरह जो होते हैं वो हम अपने आप पर गौर नहीं करते मगर दूसरों के ऊपर गौर करते हैं। वहाँ पे एक सोच ये बननी चाहिए, जैसा कि इसने बताया कि हम अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने काम पे ध्यान देंगे तब हमको बाहर का इरिटेशन कुछ समझ में नहीं आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब हम उनको माफ़ कर देंगे, जिससे भी ये गलती होगी कि आप उसको माफ़ नहीं कर सकते, तो अगर माफ़ कर दिया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और फिर एक्सपेक्टेशन उससे कम रखे तो आप उससे इरिटेट नहीं होंगे, आपका जो फिजियोलॉजी है वो चेंज नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, उसने उससे जो मिस्टेक हो गई उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर फ़र्क आपके बॉडी को पड़ा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका टेंशन बढ़ गया, आपका थिंकिंग चेंज हो गया, आपका फोकस वहाँ से हट के दूसरी तरफ चला गया। उसका रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। आर यू गेटिंग? तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको फॉरगेट करना चाहिए। दूसरी बात ये सोचना चाहिए, आई कैन नॉट कंट्रोल समवन बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मैं दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता मगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो वहाँ पे नाचा, गाया, कूदा, कुछ भी किया, वो उसकी चॉइस थी, वो मेरी चॉइस नहीं थी। मैं उसके लाइफ का कंट्रोलर नहीं बन सकता, मैं मेरे लाइफ का कंट्रोलर बन सकता हूँ। वो वहाँ पे कुछ भी करे उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसकी फ़िक्र मुझे होनी चाहिए। मगर वो कुछ कर रहा है उसकी फ़िक्र मुझे नहीं होनी चाहिए कि उसको लोग क्या कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।